बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की वीडियो में बात करेंगे कि तुर्की ने कुछ ऐसा अनोखा काम किया है जिससे पूरा अमेरिका दहल गया है। तुर्की ने जो रशिया से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदा था, इसको चेक करने के लिए अमेरिका से खरीदे गए F-16 को टारगेट बना डाला है। रूस के S-400 मिसाइल सिस्टम ने पलक झपकते ही अमेरिका के F-16 के परखच्चे उड़ा दिए। ये खतरनाक पैगाम तुर्की के सदर तैयब अर्दोगान ने S-400 मिसाइल सिस्टम को टेस्ट के अमेरिका के जहाजों को दिया है कि अब अमेरिका तुर्की के निशाने पर है। असल कहानी क्या है? क्या तैयब अर्दोगान ने पैगाम अमेरिका के सदर को दिया है? इन दिनों हालात भी कुछ ऐसे चल रहे हैं कि कोई भी अमेरिका से अपनी दुश्मनी की खेंच उतार रहा है, वो कोई ईरान जैसा छोटा मुल्क हो या तुर्की जैसी सुपर पावर। तुर्की ने अमेरिका को नीचा दिखाने के लिए जो रास्ता अख्तियार किया है वो बेहद अनोखा है। नाज़रीन, खबर यह है कि तुर्की ने S-400 मिसाइल सिस्टम रशिया से खरीदा था। इसका टेस्ट अमेरिका से खरीदे गए F-16 के जहाजों पर किया गया। पलभर में ही अमेरिका के F-16 जहाजों के रशिया के S-400 मिसाइल सिस्टम ने परखच्चे उड़ा दिए। ये तमाम तर टेस्ट करके तैयब अर्दोगान ने अमेरिकन सदर को साफ साफ कह दिया कि अगर इसके साथ जंग करनी है, छेड़छाड़ करनी है, तो रशिया के ये मिसाइल सिस्टम इनके जहाजों को नेस्तोनाबूद कर सकता है। नाजरीन, अमेरिका का मानना है कि तुर्की अमेरिका से खेल रहा है, तबाही की तारीख मुकर्रर कर रहा है और तैयब अर्दोगान डोनाल्ड ट्रंप को आंखें दिखा रहे हैं। रूस से नजदीकियां बढ़ाई जा रही हैं। तैयब अर्दोगान ये टेस्ट करके अमेरिका को बताना चाहते हैं कि अगर इसके साथ जंग की तो तुर्की भी आएगा, तुर्की के मिसाइल सिस्टम भी आएंगे और तुर्की के मिसाइल्स के सामने अमेरिका के खतरनाक जहाज टिक नहीं पाएंगे। नाजरीन, यहाँ आपको बताते चलें कि तुर्की और रूस के दरमियान S-400 मिसाइल सिस्टम को लेकर 2017 के अंदर डील हुई थी। जुलाई 2019 के अंदर रशिया ने तुर्की को ये मिसाइल सिस्टम अंकारा के बेस पर लैंड करवाकर वहाँ इनको ट्रेनिंग भी दी थी। अब तुर्की S-400 मिसाइल सिस्टम की कैपेसिटी को देख रहा है, इसी वजह से इसने अमेरिका से खरीदे गए सबसे खतरनाक जहाज मॉडर्न किस्म के 5th जनरेशन F-16 को निशाना बनाया। आपको बताते चलें कि S-400 मिसाइल सिस्टम के बारे में रशिया दावा करता है कि 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर अपने टारगेट को मार सकता है, एक साथ 36 मिसाइल्स को तबाह कर सकता है। रशिया का ये डिफेंस सिस्टम 400 किलोमीटर की रेंज के अंदर अंदर दुनिया के 5th जनरेशन फाइटर जेट को दहला सकता है, मारकर गिरा सकता है। आपको बताते चलें कि ये फाइटर जेट अमेरिका के F-16, F-22, F-35 भी हो सकते हैं, जिसका तजर्बा अमेरिका के जहाजों पर तुर्की ने करके देखा है। नाजरीन, आपको बताते चलें कि तुर्की के सदर ने अमेरिका को किसी किस्म की डायरेक्ट धमकी तो नहीं दी और ना ही अमेरिका के खिलाफ कुछ लिखा है, बल्कि उन्होंने करके दिखाया है। नाजरीन, तुर्क सदर का मजीद कहना था कि अगर अमेरिका ने तुर्की के साथ किसी किस्म की भी कोई छेड़छाड़ की तो इसके खतरनाक किस्म के फाइटर जेट्स का हाल तुर्की के मिसाइल सिस्टम से इसी तरह बनाया जाएगा। साथ ही तुर्की के सदर का कहना था कि आइंदा आने वाले सालों के अंदर वो S-400 मिसाइल सिस्टम से मजीद कुछ सीखेंगे, मजीद इसको एडवांस बनाएंगे और मजीद इसकी टेस्टिंग भी करेंगे। नाजरीन, तुर्की के सदर की अनोखी टेस्टिंग के बारे में आप क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, जज़ाकअल्लाह।